दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, 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 दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, 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 दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम निर्मल बुद्धि, दे दो राम। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों, पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने आज नाना उक्तियों का प्रसंग लिया है, मिसलेनियस स्टेटमेंट्स, नाना उक्तियां, मिसलेनियस बोध सूत्र, हर स्टेटमेंट जो स्वामी जी महाराज ने लिखे हैं, दिए हैं, माननीय एवं आचरणीय। कहां से शुरू करें समझ नहीं आती। निंदक की भी निंदा न करे वैसा तो यहां से शुरू करते हैं। हम तो सब साधक हैं, साधु तो कोई आप में से बिरला, साधक तो हम सब हैं। हम निंदा नहीं कर सकते, साधक हैं तो, ना ही दूसरों की निंदा सुन सकते हैं, दोनों परमिसिबल नहीं है। ना निंदा करना ही द्वेषपूर्ण आलोचना, भीतर द्वेष है तो किसी दूसरे की आलोचना करनी और फिर उसे बखान करना निंदा कहा जाता है। ये द्वेषपूर्ण आलोचना साधक को परमिसिबल नहीं है। दूसरों की निंदा सुननी भी परमिसिबल नहीं है। दोनों चीजें साधक को नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपनी निंदा सुन सकते हो तो सुनो, बहादुरी का काम है। यदि वह निंदा लगे कि ठीक है, जेन्युइन है, जिस बात के लिए मेरी निंदा की जा सकती है वह दुर्गुण मेरे अंदर है, तो उसे साधक को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि वह दुर्गुण नहीं है तो फिर किस बात की चिंता करनी।
इधर से सुनी इधर से निकल दी। उस निंदा करने वाले व्यक्ति की भी निंदा नहीं करता, वैसा तो है, कोई जरूरत ही नहीं। संतों महात्माओं की बातें तो बहुत इस प्रकार की होती है ना, किसी एक संत को बड़े अपमान भरे शब्द सुनने ही पड़ते हैं। कोई संतों के लिए साधुओं के लिए नई बातें नहीं है, बहुत सुनने पड़ते हैं औरों से कहीं ज्यादा। किसी ने अपमान भरे शब्द कहे, गाली दी जैसे, तो शिष्यों ने बुरा माना। गुरु महाराज के लिए संत के लिए ऐसे शब्द प्रयोग शोभनीय नहीं है, प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। शिष्यों ने तो संत ने रोका, उन्हें समझाया, कहा बच्चों इस व्यक्ति ने यदि मेरे देह की निंदा की है तो देह सबकी निंदनीय ही है, कोई नई बात नहीं की। हम स्वयं को भी देह की निंदा करनी चाहिए, क्यों? ये कुकर्म सारे इसी के माध्यम से होते हैं। देह भाव बड़ा खराब भाव है, अविद्या कहा जाता है इसे। तो बच्चों देह तो निंदनीय है, और अगर इस व्यक्ति ने मेरी आत्मा की निंदा की है तो इसकी आत्मा में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वह एक ही है, तो बुरा क्यों मान रहे हो? संत ने समझाया। महर्षि वशिष्ठ को साक्षिण उनके शिष्यों ने आज कहा, तब से महाराज इतनी सिद्धियों के मालिक हो, इतनी शक्तियों के मालिक हो, तब से क्या प्राप्त नहीं है आपको? आप अपने आलोचकों को शाप क्यों नहीं दे देते? इतने निंदा भरे शब्द, अपमान जनक शब्द आपके लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें शाप दे दें। आप में स्पर्ध है कि शाप देते ही उनका सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उनका। महर्षि विशिष्ट समझाते हैं, नहीं बंधुओं, तप त्याग एवं भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि शत्रुओं का